गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आप सबको स्वागत है एक नया वीडियो में। और इस बार मैं आपको लेके चलूंगा एक बहुत खूबसूरत जगह। और ये खूबसूरत जगह जो है, जहां पे जाते ही आपको मन का अंदर का जितना नेगेटिविटी है सब निकल जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये जगह ऐसे है कि बच्चे से लेके बूढ़ा सबको अच्छा लगेगा। तो आइए चलते अभियस एक्वेरियम, जो साउथ गोवा में है। एक्वेरियम के अंदर एंट्री करते हमें स्कूल का बहुत सारे बच्चे लोग को दिखाई दिया, और हमें रेड चार्ट भी दिखाई दिया। जो एक्वेरियम है 200 रुपीज़ पर हेड है, हॉरर हाउस है जो 100 रुपीज़ पर हेड है, एंड 12B थिएटर जो है वो 200 रुपीज़ पर हेड है। आप कॉम्बिनेशन के साथ भी इनको ले सकते हो। इसका डिटेल्स मैं बॉक्स में दे दूँ। बहुत सारे कलरफुल फिश दिखाई दे रहा है। ये जनरली कोई कार्प फिश है, और ये टर्टल ये तो टच कर सकते हैं, एकदम नज़दीक है। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है देखने। एक्वेरियम के बाहर बहुत सारे स्ट्रक्चर बना हुआ है। अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं एक्वेरियम के अंदर। एंट्री करते आपको बहुत सारे एक्वेरियम लाइन पे मिलेगा। अंदर का टेम्परेचर बहुत अच्छा है। बहुत सारे कलरफुल स्टार फिश यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हर एक स्टार फिश का कलर अलग अलग है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये है स्नैपर, ये है इमाकुलेट पफर या येलो आइड पफर। ये जनरली इंडो वेस्ट पैसिफिक रीजन में मिलता है। अब मैं आपको लेके चलूंगा इस एक्वेरियम का सबसे एक्साइटिंग पार्ट, जो आपको देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। ये है ईल। ये ईल जो है, 3-3, 4-4 फीट का ईल आपको यहाँ पे दिखाई देगा, एंड दे आर वेरी हैप्पी। ये ईल जो है, दे आर हैप्पीली मूविंग अराउंड एक्वेरियम का अंदर। बहुत बड़ा एक्वेरियम है, तो इन लोग बहुत अच्छा से मूव कर इसके अंदर फ्रीली मूव कर, और आपको देख के बहुत अच्छा लगे। और ये ईल का चेहरा देखिए, पत्थर के अंदर छुपने के लिए ये एकदम माहिर है, और इसको पत्थर के अंदर ही मैक्सिमम टाइम में छुपा रहता है। और ये जो ईल है, ये थोड़ा सा डेंजरस भी है। ये ईल हाइट में 2 इंच से लेके 13 फीट तक लंबाई कभी कभी होता है। और ये है बाम्बू शार्क, और ये जनरली ग्रुप में रहते हैं, आराम से घूमते रहते हैं। और ये है पिन स्पॉटेड स्पाइन फूड। और ये जो बिंदी बिंदी दिखाई दे रहा है, इसका नाम है स्ट्रिक्ट स्पाइन फूड। ये भी जनरली इंडो स्पेसिफिक रीजन में मिलता है। और ये देखिए कितना बड़ा लॉबस्टर है, और इसका कलर कितना ब्यूटीफुल कलर है। और ये है खूबसूरत स्टिंगरे। ये शार्क प्रजाति का फिश है, और यहाँ स्टिंग से जो वेनम निकलते है काफी पॉइजनस है। और ये खूबसूरत फिश का नाम है स्कैटोफेगस आर्गुस। और ये है एलिगेटर गार फिश, जो जनरली लंबाई में 6.5 फीट तक लंबाई होता है, 45 kg तक इसका वेट होता है। और आइए देखते वर्ल्ड का सबसे खतरनाक फिश पिराना, जिसके बारे में हम लोग लगभग सभी जानते हैं। हॉलीवुड मूवी में हम इसका पिक्चर भी बहुत लोग देखा है। ये कार्निवोरस है, मतलब आदमी को भी खा लेता है। ये है अरवाना फिश, ये बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। और ये खूबसूरत फिश का नाम है अल्बिनो रेड आई गौरामी फिश, जो साउथ ईस्ट एशिया वाटर में मिलता है। बहुत ही पीसफुल फिश है, एक्वेरियम में आप आराम से रख सकते हो इसको। हाय, हेलो, और ये देखिए, ये ब्यूटीफुल फिश का नाम है ऑस्कर, और ये फिश बहुत सारे वैरायटी में मिलता है। ये है जायंट गौरामी। ये रेड टेल कैटफिश जो है, ये एक्वेरियम फ्रेंडली है। और ये है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश, जिसको आरापियामा फिश बोलता है, और ये लंबाई में कभी कभी 9.8 फीट तक जाता है। ये एक छोटा सा टर्टल है। और ये है पाइप फिश, पाइप के माफिक लंबाई में। इस छोटे छोटे मच्छी को गारा रूफा व डॉक्टर
फिश बोलता है। ये सारे एक्वेरियम का देखने के बाद इसके साथ ही एक है सुवेनिर शॉप, जहाँ पे आपको बहुत सारे वैरायटी गिफ्ट आइटम मिलेगा, शंख मिलेगा, कीचेन मिलेगा, और आपको बहुत सारे घर में सजाने के लिए बहुत सारे आइटम मिलेगा, डॉल मिलेगा, और कुछ ड्रेसेस मिल जाएगा जो गोवा का फेमस ड्रेसेस है। तो यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो और घर सजाने के लिए आप लेके जा सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे भूतिया घर भी है और एक 12D थिएटर हॉल भी है, जो मैं इस बार देख नहीं पाया, तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर इसको एक्सप्लोर करूँगा। आप अगर गोवा आ रहे हो तो ये एक्वेरियम, अबियास एक्वेरियम देखने के लिए ज़रूर आना, बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने के बाद, और आपको अंदर बहुत पॉजिटिव फील होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये एक्वेरियम का वीडियो देख के आपको बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कैसे लगा। और नया व्यूअर्स के लिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और इससे मैं मोटिवेट होऊंगा और मैं ऐसा बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।